और आज एक ब्रेक थ्रू हुआ है जो जहाँ में जो एक स्टूडेंट दो स्टूडेंट एक लड़की और एक लड़का को जो हाइनस क्राइम उसको मर्डर किया था पकड़ने के बाद में उसको हम लोग ने अभी तक नहीं पकड़ सका था, लेकिन कल परसों से ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वो एक सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर को अलोंग विद 5 सीनियर ऑफिसर यहाँ भेज के कैम्प करके रखा है, और कैम्प करने के बाद में विद द सपोर्ट ऑफ द इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस असम राइफल्स और स्टेट पुलिस कंबाइंड टीम करके आज 4 एक्यूज पकड़ लिया है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये हैंगलेप एरिया सुशांतपुर से पकड़ लिया है, इसीलिए हम NIA CBI और सारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी एंड असम राइफल हम लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। स्पष्ट हो चुका है कि म्यांमार का इसमें संलिप्त हाँ, कल NIA ने जैसे एजेंसी भारत का टॉप है उसने इन रिटर्न दे दिया ना, इसमें क्या है? बस थैंक यू। डिस्कवरी के बारे में कुछ बताएं। बॉडी डिस्कवरी अभी पूछताछ करने के बाद ही करेगा। नहीं, 355 का अभी रिटर्न ऑर्डर नहीं है। अच्छा, ऐसा ही एक एडवाइजर आया है, कर रहा है, काम मिलके कर रहा है। बट व्हाट गिव्स द इंप्रेशन दैट योर हैंड्स आर टाइट सर? नो, लेटर रिटर्न ऐसा नहीं है। या वरीसम हम लोग को ये हो रहा है कि कोई भी ग्रुप यहाँ आके ये हमारा जो इलेक्टेड मेंबर्स को जिस तरह का या प्रेशर करके ये कराना वो कराना अभी जो कर रहा है ये सब ये वरीसम होता है हम सबके लिए। नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, थोड़ा सा पब्लिक का इमोशन में है तो अभी पकड़ लिया, सब कुछ हो गया तो अभी ठंडा आएगा, लेकिन आउट ऑफ वे में जो आता है उसको तो गवर्नमेंट फार्मली डील करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।